बताइए जी कितना, सर। उम्र कितना है आपका? उम्र कितना है? उम्र उम्र 56 सर। आपको कुछ हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर। सुनने में दिक्कत होता है? ओके कोई बात नहीं, 56 है। और कोई प्रॉब्लम है? डायबिटीज वगैरह, शुगर? डायबिटीज है सर। शुगर कितने समय से है? डायबिटीज 2005 से है सर। अच्छा 20 साल हो गए। ओके, तो उसके लिए क्या दवाई लेते हैं? दवाई लेते हैं सर। क्या टेबलेट की इंसुलिन? सर टेबलेट लेते हैं, टेबलेट। इंसुलिन तो तो नहीं कितना लेते। शुगर रहता है अभी? कितना शुगर रहता है नॉर्मल? शुगर तो नॉर्मली रहता है सर, खाना खाने के बाद 180 के करीब करीब रहता 180। है। हाँ ओके, तो अभी दिक्कत क्या हो रहा है, मतलब इरेक्शन में क्या सर, प्रॉब्लम हो रहा है? इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सर। थोड़ा बहुत तो होता हाँ होगा। थोड़ा बहुत होता है पर हाँ वो पहले बिल्कुल होता था, पहले होता था सर, ये अभी 2-3 महीने से बिल्कुल ही डाउन हो गया सर। नहीं 2-3 महीने, 3 महीने पहले नहीं बिल्कुल क्या हो ठीक गया था। कि वो मैंने सर को जांच करवाई थी तो क्या हो गया है, गिठान हो गई है लास्ट हाँ में। हाइड्रोसिल, नहीं हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल नहीं, वो अलग तो है अलग सर, चीज है। लिंग हाँ में गिठान टाइप से हो गया जिससे लिंग ऐसा टेढ़ा हो जाता है सर, हाँ अगर हाँ इरेक्शन आता है तो टेढ़ा हो जाता है पेरोनी, सर नीचे की पेरोनी तरफ। डिजीज बोलते हैं उसको। ओके हाँ ओके, नहीं वो एक अलग चीज होती है। इरेक्शन जैसे 3 महीने पहले बिल्कुल ठीक था, 3 महीने पहले इरेक्शन नॉर्मल होता हाँ था। नॉर्मल होता था पर अभी जब इरेक्शन हो रहा है तो वो ऐसे टेढ़ा हो जा रहा है सर। नहीं, सुनो वो अब मैं समझ गया, टेढ़ेपन का मुद्दा एक अपन साइड में रख दो। आपको इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है 4 महीने पहले नहीं थी, हाँ मतलब छह 4 महीने महीने पहले पहले नहीं थी? थी, अभी हो गई है सर छह ज्यादा। महीने पहले बिल्कुल बढ़िया था, हाँ बिल्कुल बढ़िया आता था सर इरेक्शन, तो ऐसे अचानक से थोड़ी हो जाता कि 3 महीने के अंदर इरेक्शन प्रॉब्लम। मतलब धीरे धीरे करके डाउन हो गया है सर। ये पहले कोई जैसे कंटिन्यूस तो नहीं आता है, जैसे 15-20 दिन में एक बार अच्छे से इरेक्शन आता था, फिर अच्छा अभी बिल्कुल ही डाउन हो गया है सर। ओके, मतलब पहले भी कम रहता था। हाँ कम रहता था सर। ओके, तो ऐसा आपने कोई दवाई वगैरह खाई उसके दवाई लिए? तो कोई भी नहीं खाई सर, कभी इरेक्शन के लिए करने को दवाई नहीं इरेक्शन खाई? के लिए कभी कोई दवाई नहीं खाई क्यों सर, नहीं खाई? मतलब खाई ही नहीं सर। आदमी सबसे पहले यही करता ना कि पहले कोई गोली खा के देख ले, दवाई नहीं खा के सर देख ले। दवाई नहीं खाई कभी, अच्छा, किसी से, किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं आपने? डॉक्टर को तो नहीं दिखाया सर कभी भी। अभी ये जब टेढ़ा हो गया तब मेरे को ज्यादा परेशानी हो गई। तो क्या दिक्कत क्या हो रही टेढ़ेपन से? क्या प्रॉब्लम हो रही टेढ़ेपन होने से? टेढ़ेपन से सर वो वजाइना में इंटरकोस नहीं हो पा रहा है नहीं ना होता सर, है तो और आप बहुत उसमें उसका दर्द हो रहा है बहुत। कितना, जैसे आपका पेनिस है सामने ऐसा, तो कितना टेढ़ा होता है बताओ मेरे को उंगली? तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाता है सर पूरा आगे से। उसमें मतलब इरेक्शन तो हो रहा है? इरेक्शन तो इरेक्शन होता है तभी तो ऐसे होता है सर, वो हाँ, इरेक्शन होता है तभी ऐसे टेढ़ा तो हो उसको जाता है, अपन सीधा करके पेनिट्रेशन नहीं कर सकते? तो नहीं हो पा रहा है सर। आपकी मेन प्रॉब्लम इरेक्शन की नहीं है, टेढ़ेपन की है? दोनों ही परेशानियां हैं सर, ऊपर की तरफ टेढ़ा होता है कि नीचे की तरफ होता नीचे ऐसे टेढ़ा हो जाता है सर। है? जैसे आपका पेनिस है ना, तो हाँ ये ऐसे है, ऐसे हाँ रहना चाहिए हाँ पर ऐसे ना रहते हुए ऐसे हो नीचे जाता की है। तरफ टेढ़ा हो रहा हाँ है। नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जैसे कि ये जो टिप है, टिप वाला हिस्सा मुड़ रहा है कि बीच में से मुड़ रहा नहीं है? पीछे वाला नहीं आगे वाला हिस्सा टिप, मुड़ टिप रहा का है। हिस्सा जो है हाँ जो वो मुड़ने मुड़ रहा वाला है, हिस्सा है वो घूम जाता है। नीचे घूम जाता है? ओके, तो नोड्यूल भी दिख रहा है नीचे, मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा है वहां पे? कुछ नहीं कुछ दर्द तो कड़क नहीं, गठान कड़क कड़क नोड्यूल बोल रहे हैं ना, नोड्यूल है कुछ, एक गठान जैसी कहाँ पे है? ऐसे पीछे की तरफ है सर। तो वो गठान तो अलग जगह है और ये मूड़ अलग जगह से रहा है ना? जैसे आपका ये पेनिस है, ये आपका पेनिस है, तो आपका ये मूड यहाँ मुड़ पर, रहा है हाँ ऐसा, नीचे मुड़ रहा है और ये गठान इधर है, गठान इधर है सर। तो वो गठान से इसका मुड़ने का रिलेशन नहीं है। ठीक है, वो तो अगर ये ऐसे मुड़ता नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ गठान होना चाहिए तब ऐसा मुड़ेगा। सर अब आप समझते हैं सर। हाँ नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मुड़ने का, इस गठान से इस मुड़ने का कोई लेना यहाँ पर नहीं। एक ऐसा ऐसा टाइट टाइट जैसा लग रहा है, जब डॉक्टर वाह, साहब को चेक कराया था मैंने आया था तब, ओके तब ओके। उन्होंने कहा था कि हाँ ये सब समस्या हल हो जाएगी। नहीं, सुनो समस्या ये आप समझो, ये जो कॉन्ट्रेक्चर है या ऊपर ये पेरोनी डिजीज है, ये पूरा नहीं निकाल सकते अपन, ये नहीं निकलेगा। आप समझो बात को, अपन कर रहे हैं इरेक्शन की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, और जो थोड़ा टेढ़ापन है उसको करेक्ट करने के लिए। ये जो बीमारी होती है पेरोनी डिजीज, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है, इसको कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है हाँ ना? हाँ सुनाई दे तो रहा है वो सर। नोड्यूल वगैरह को हम नहीं निकालेंगे, मतलब हम लोग, हमारा उद्देश्य ये कि टाइट हो जाए और सीधा हो जाए, नोड्यूल से अपना पीछे नहीं पड़ेंगे। नोड्यूल को निकालने के चक्कर में वहां खून का सप्लाई खराब हो जाता है, नसें खराब हो सकती है, और उस नोड्यूल को निकालने से आपके टेढ़ेपन में कोई फायदा नहीं नहीं होगा। उससे वैसे वो इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, तो वो उसको, उस पर नजर मत रखो, वो हम लोग उसको नहीं ट्रीटमेंट करने वाले हाँ वो नोड्यूल का, इतना क्योंकि ज्यादा नहीं है। वो बहुत बार ऐसे ही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ना कोई दर्द होता है ना उससे कोई दिक्कत होती, तो उसको पड़े रहने दो नोड्यूल को। नहीं उससे उससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है सर, हाँ बस मेरे को तो वो बस मैं, ये कि टेढ़ापन ठीक हो जाए और ये इरेक्शन आपके पास ठीक हो कोई जाए फोटो है टेढ़ापन का? कुछ सर। ऐसा तो कोई फोटो तो निकाला ऐसा नहीं सर, फोटो लेना चाहिए ना, तो वीडियो या फोटो तो समझ में आता है, अभी नॉर्मल में नहीं समझ में आएगा। फोटो तो निकाला ठीक नहीं है, चलो सर। अभी हम देख लेंगे उसको। ठीक है, तो अपने को मेनली इरेक्शन का करेक्शन करना है और टेढ़ेपन का करेक्शन करना है, दो चीज़ों को अपन करेंगे। ठीक है।
ओके, और हाइड्रोसिल भी है आपको साथ में? हाइड्रोसिल है तो सर उसका भी बता दिया ना डॉक्टर साहब को। हाँ हाँ नीचे है, मतलब एक तरफ है हाइड्रोसिल, कब से है ये भी? हो गया सर कल 3-4 महीने से हो गया सर ये भी एकदम से, वो बहुत एक अंडकोश बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है ठीक है, चलिए अभी आपको अपने लेते हैं फिर।